दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि आपके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके 2021 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप क्लास टेंथ में हैं तब तो आपके लिए 100% यह टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा मॉडल पेपर, उसमें ये जो मिश्रण है टॉपिक ये बहुत बार आया है, उसके जो प्रकार हैं ये भी आए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको सारी जानकारी इस 2-3 मिनट की वीडियो में पता लग जाएगी, आपको बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा। आप इसको मिश्रण और उसके जो पार्ट है समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मिश्रण होता क्या है, आपको पहले बता देता हूँ मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में, दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब कोई दो पदार्थ है या फिर उससे अधिक पदार्थ, 3 पदार्थ, 4 पदार्थ, 5 पदार्थ जो भी हैं उनको अगर आप आपस में मिलाएंगे तो उससे जो हमें मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, सॉरी उसे हम मिश्रण कहते हैं, मतलब उससे जो पदार्थ प्राप्त होगा उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब देखिए ये जो कैसे हम मिलाएंगे, जैसे इसके एग्जांपल आप जान लीजिए, जैसे कोई भी हो गया, चीनी हो गया, चीनी में अगर पानी मिलाएं या फिर पानी में बालू मिलाएं या फिर दूध ले लीजिए, दूध में पानी या फिर चाहे जो हो, तो इसे हम कहते हैं मिश्रण। अब देखिए मिश्रण के प्रकार भी दो होंगे, मिश्रण के दो प्रकार हैं। देखिए इसका पहला प्रकार है समांगी मिश्रण और दूसरा प्रकार है मिश्रण का विषमांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी और विषमांगी मिश्रण के दो प्रकार होते हैं। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, इसमें अगर दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, तो मतलब अगर इसमें किसी भी चाहे जिसमें आप मिलाइए वो दोनों इसमें देखिए आप देख नहीं पाएंगे। आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर आप किसी भी दो पदार्थ को आपस में मिलाइए उसके बाद आप उसे देख ना पाए, जैसे कि हो गया आपका, मैं बता दूंगा आपके लिए एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक जैसे पानी ले लीजिए, मतलब ऐसे कोई बीकर लीजिए, इसमें अगर आप पानी में अगर आप चीनी मिला देंगे, इसमें से जल भरा है, इसमें अगर आप चीनी मिला देंगे, जल प्लस चीनी इसमें मिला दिए और इसमें अगर आप नींबू भी मिला दीजिए, तो क्या अगर इसको घुलने के बाद आप इनको अलग कर पाएंगे, इसको आप अलग अलग देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। तो इसका मिक्सर बन गया शरबत, क्या ये शरबत बन गया। अगर जल चीनी और नींबू को आपस में आप मिला दें तो इसको आप नहीं देख पाएंगे, यही बन गया आपका शरबत। तो ये तो हो गया समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण इसी का जस्ट उल्टा, अगर दो या दो से अधिक पदार्थ को आप आपस में मिलाने पर उसे आप देख पाते हैं तो उसे हम समांगी मिश्र, सॉरी विषमांगी, उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल आपको बताएं, आपको पहले इसका परिभाषा पता लग ही गया होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाने पर उसे अगर हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे आप ले लीजिए बालू ले लीजिए या फिर आप पानी ले लीजिए, जैसे देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिए एक बीकर है जिसमें से पानी भरा हुआ है, इसमें अगर आप बालू मिला दें इसके कड़, तो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो वो आपस में मिलेंगे नहीं, पानी और यहाँ पर बालू, देखिए पानी और बालू का अगर आप मिश्रण बनाएंगे तो यह आपस में नहीं मिलेगा, तो इसे ही हम कहते हैं विषमांगी, यह आपस में नहीं मिलेगा। और यहीं पर देखिए ये मतलब इसका हो गया, हाँ तो यहाँ पर हो गया जल नींबू तथा चीनी तो शरबत बनेगा, तो इसको हम आपस में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये मिल जाते हैं तीनों आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। लेकिन यहीं पर अगर हम पानी और बालू मिला दें या फिर बालू और चीनी मिला दें, बालू और नमक मिला दें, तो इसको हम आपस में आराम से देख सकते हैं, तो इसीलिए इसे हम विषमांगी कहते हैं। मिश्रण तो आपको पता लग ही गया, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आपस में मिलाने पर जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पर ऐसी डेली नए वीडियोज़ मिलती रहती हैं।